नंबर प्लेट्स हम जब भी गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, तो अलग अलग नंबर प्लेट हमें देखने को मिलते हैं। कई बार ब्लू, कई बार ब्लैक और कई प्रकार के अलग अलग। हमारे अंदर वो नंबर प्लेट्स एक क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं कि नंबर किसको बिलोंग करता है और ये कहाँ से, क्योंकि हम जो नंबर प्लेट जानते हैं वो वाइट या येलो है, जो कि मैक्सिमम गाड़ियों में मिलते हैं। दोस्तों, मैं इन नंबर प्लेट्स के बारे में और बाकी जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं उन नंबर प्लेट्स के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। बहुत छोटी सी वीडियो है। अगर आप स्मॉल टाउन या छोटे गांव में रहते हैं तो आपने इन नंबर प्लेट्स को अभी तक देखा भी नहीं होगा। इन नंबर प्लेट्स और ऐसे कई नंबर प्लेट्स जो कि आपने पहले कभी देखे होंगे या नहीं देखे होंगे या आपको देखने को मिलेंगे कभी, उनके बारे में आपको अभी जानकारी हो जाए इस वीडियो में। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और हो सके तो मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक, और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी बहुत सारी जानकारी वाली वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहे। तो फिर देर किस बात की, लेट्स द नॉलेज स्प्रेड। ये जो वीडियो है इसमें आपको पहले और लास्ट का जो कंटेंट है वो कनेक्ट करेगा। वो कैसे करेगा, आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे हम अगर जनरली नंबर प्लेट देखते हैं तो वो वाइट या येलो होता है। वाइट नंबर प्लेट एक प्राइवेट नंबर प्लेट्स होते हैं जो कि हम या कोई भी बंदा जनरली यूज़ करता है अपने प्राइवेट किसी भी काम के लिए, उनमें ये वाइट नंबर प्लेट पाया जाता है। येलो नंबर प्लेट जो कि व्हीकल्स रेंट पे होते हैं या फिर हम टैक्सीज होते हैं, बसेस होती हैं, ट्रक्स होती हैं, उनमें हम ये नंबर प्लेट्स देखते हैं। अब हम कई नंबर प्लेट्स ब्लू रंग के देखते हैं। अब ब्लू नंबर प्लेट्स बिलोंग करता है फॉरेन कॉन्सुलेट को। इनमें जनरली जो नंबर या फिर वो अल्फ़ाबेट्स अंकित होते हैं वो वाइट नंबर पे होते हैं। जैसे कि इन नंबर में हरदम आगे लिखा रहता है UNCCCD। UN यानी कि यूनाइटेड नेशन, CC माने काउंसलर कॉप्स और CD माने डिप्लोमेटिक कॉप्स। ये तीनों नंबर्स जो भी स्टार्ट होते हैं वो जिस देश को बिलोंग करते हैं उनकी पूरी लिस्ट इसमें आपको दिख जाएगी, आप समझ जाओगे। और फिर आपको कभी फ्यूचर पर ये नंबर दिखेगा तो आप आइडिया लगा लोगे किस नेशन को, किस जगह को ये बिलोंग करता है। अब आता है रेड नंबर प्लेट। ये रेड नंबर प्लेट भारत के राष्ट्रपति या किसी भी स्टेट के राज्यपाल को बिलोंग करता है। इसमें आपको भारत का एम्बलम एम्बॉस किया हुआ रहता है और गोल्डन कलर में रहता है। अब आपको बताता हूँ बड़े विचित्र नंबर के बारे में जो कि इंडियन मिलिट्री को बिलोंग करता है। आपने कभी देखा होगा किसी भी गाड़ी में अपवर्ड्स एरो के साथ नंबर स्टार्ट होता है, फिर उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं, लाइंस लिखा रहता है, तो वो नंबर होते हैं इंडियन मिलिट्री का और वो जनरली कॉमनवेल्थ कंट्री को ही दिया जाता है। अभी अपवर्ड एरो जो दिखाता है उसके बाद जो नंबर्स होते हैं उसमें, जो भी नंबर होते हैं वो बिलोंग करता है कि ये मिलिट्री ने किस साल में इस कार को, इस व्हीकल को प्रोक्योर किया था। इंटरेस्टिंग। अब आता है ब्लैक नंबर प्लेट विद द येलो लेटरिंग। येलो लेटरिंग माने उसमें येलो नंबर लिखे रहते हैं। ये होता है कमर्शियल व्हीकल जो कि रेंट पे दिया जाता है सेल्फ ड्राइव के लिए। अगर आप या मैं किसी गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो हमें ये गाड़ी मिल सकती है सेल्फ ड्राइव के लिए। इसमें हमारे पास कमर्शियल व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ ग्रीन नंबर प्लेट के बारे में। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पहला और लास्ट के जो पोर्शन है वो कनेक्ट करेगा। ये जो ग्रीन नंबर प्लेट है वो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स को मिलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मिलते हैं। अब ये भी रेंट कार या फिर कमर्शियल व्हीकल्स जो रेंट पे होते हैं या बसेस होते हैं या ट्रक्स होते हैं उन सबको मिलेंगे और एक प्राइवेट व्हीकल्स को ही मिलेंगे। हमारे यहाँ से वाइट और येलो नंबर्स धीरे धीरे उजल होते रहेंगे और ग्रीन नंबर हमारे पास आते रहेंगे। इनमें भी वैसे ही होगा, लिखा हुआ रहेगा ग्रीन में, ग्रीन प्लेट में वाइट नंबर और ग्रीन में येलो नंबर। येलो उनको बिलोंग करेगा जो कि रेंट पे या कमर्शियल व्हीकल होते हैं और वाइट उनको बिलोंग करेगा जो कि प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं। और ये मैंडेटरी हो गया है कि किसी भी इलेक्ट्रिक कार या बैटरी ऑपरेटेड कार को ग्रीन प्लेट लगाना पड़ेगा। ग्रीन नंबर प्लेट लगाने से उनको टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है और कई जगह टोल में भी बेनिफिट मिलता है। तो ये थी पूरी जानकारी नंबर प्लेट के बारे में। अब आपके मन में जो भी संशय रहेगा नंबर प्लेट को देख के कि भाई ये नंबर प्लेट किसको मिलता है, तो ऑलमोस्ट सारे कवर हो चुके हैं। हो सके तो इस ज्ञान को, इस नॉलेज को शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे विथ न्यू नॉलेज। बाय।